नमस्कार छात्रों, यदि आप कक्षा दो में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं एक कहानी जो आपके कक्षा दो के किसलय के किताब में है, ठीक है। और इस कहानी का नाम है टपक का डर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टपका का डर, ठीक है। इस कहानी का नाम है टपका का डर और ये आपके पाँचवें अध्याय में है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। दादी माँ का घर भीग रहा था, जल्द ही छप्पर से पानी टपकने लगा। दादी माँ परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर पुराना था। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा, कूदते फांदते वह दादी माँ के घर के पास पहुँचा। दादी माँ अंदर भात बना रही थी, चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप 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 टप। वह झुझला उठी और बोली, मुझे टपका से जितना डर लगता है उतना तो बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, यह मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। टपका जरूर मुझसे भी कोई बड़ा जानवर होगा। बस यह सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भागा। तो छात्रों, ये आपकी कहानी है। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी की वीडियो के साथ। यदि आप दो में पढ़ते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।